आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बता दें आपको ब्रेकिंग न्यूज, सिंघू बॉर्डर से आज खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। तो एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की आज फिर बैठक होगी और इसमें उम्मीद की जा रही है कि आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान किया जा सकता है। बैठक के बाद आंदोलन पर औपचारिक फैसला लिया जाएगा आंदोलनकारी नेताओं की ओर से, और जो कयास और उम्मीद की जा रही है वो यही है कि आज आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है औपचारिक तौर पर। दरअसल बीते दिन सरकार की तरफ से भेजे गए संशोधित प्रस्ताव को किसान नेताओं ने स्वीकार कर लिया था। तमाम मांगों पर सहमति बन गई थी और किसान नेताओं की तरफ से कहा गया था कि सरकार की आधिकारिक चिट्ठी के बाद एक बार फिर मंथन होगा और बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर किसान आंदोलन के समापन का ऐलान आज किया जा सकता है। तो एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देश के लिए। बता दें आपको करीब एक साल से ज्यादा वक्त से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार कई मुद्दों को लेकर धरना दे रहे थे। कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद जिस तरह से समाधान की पटरी पर यह आंदोलन आगे बढ़ा, ऐसे में आज उम्मीद की जा रही है कि आंदोलन को खत्म करने का ऐलान आज किया जा सकता है और एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर आज बैठक होगी और बैठक के बाद आंदोलन पर कोई औपचारिक फैसला किसान नेताओं की ओर से लिया जा सकता है। बता दें आपको ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। और मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा का। स्पर्श, आज एक बार फिर किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे और जो सबसे बड़ी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आंदोलन के समापन का ऐलान किया जा सकता है। आज की बैठक से पहले क्या कुछ किसान नेताओं की तरफ से रणनीति या फिर कहें किस तरह का हालचाल देखने को मिल रहा है? देखिए, आज एक बड़ी बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की एक बार फिर से 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर होने वाली है। कल जिस तरीके से हमने सबसे पहले खबर दी थी कि तमाम मांगों को लेकर जो सहमति है वो आज जो है बनती हुई जो है नजर आ गई है और एक नया प्रस्ताव जो है वो सरकार ने आज जो है आज जो तमाम जो किसान नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो 5 सदस्यीय कमेटी जिसकी बैठक दिल्ली में हुई थी वहां पर आया और उस पर जो है आम सहमति जो है पूरी तरीके से बना ली गई थी, जिसमें चाहे मुआवजा देने की बात हो या फिर मुकदमे जो दर्ज हुए वो वापस लेने की बात हो या फिर MSP पर जो कमेटी बनेगी उसकी बात हो, इन तमाम मसलों को लेकर जो सहमति है वो आज जो है बनती हुई नजर आई थी। आज जनता TV के पास वो ड्राफ्ट भी जो है मौजूद था जो सरकार ने जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको भेजा था। ऐसे में आज ये बैठक होने वाली है और अब संयुक्त किसान मोर्चा जो इंतजार कर रहा है वो एक औपचारिक पत्र का जो है ऐलान कर रहा है, क्योंकि जो ड्राफ्ट आया था वो सफेद कागज के ऊपर था, लेकिन अब औपचारिक रूप से अगर ये ड्राफ्ट बनकर सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को आज पहुंच जाता है तो आज एक बड़ी खबर जो है किसान आंदोलन के मद्देनजर निकलती हुई जो है आ सकती है। हो सकता है कि औपचारिक रूप से मोर्चा खत्म करने का ऐलान जो है आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऑन रिकॉर्ड जो है कह दिया जाए। स्पर्श, कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा हमने आंदोलन देखा है और अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि आज आंदोलन के समापन का ऐलान किया जा सकता है, आधिकारिक ऐलान हो सकता है, ऐसे में अगर किसान नेताओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल और जोश का माहौल कहीं ना कहीं किसानों में नजर आ रहा है, क्योंकि करीब एक साल से ज्यादा वक्त से आंदोलनकारी लगातार डटे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह से सरकार से सहमति बनती हुई नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं किसान नेताओं में भी और किसानों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर किसानों में खुशी की लहर है। कल रात को ही अगर हम सिंघू बॉर्डर के मूड माहौल की बात करते हैं तो वहां पर बेहद खुश जो है तमाम किसान जत्थेबंदियां जो है नजर आ रही थी। किसानों ने जो है जश्न भी जो है कहीं ना कहीं मनाया है। मोमबत्तियां जो है किसानों की तरफ से जो है कल देर रात जो है सिंघू बॉर्डर पर जो है जलाई गई थी। ऐसे में ये लंबा संघर्ष जो है किसानों की तरफ से देखने को मिला था, लगभग एक साल के आसपास जो है इस पूरे आंदोलन को जो है चलते हुए हो गया था। कई किसानों की जो डेथ है वो इस पूरे आंदोलन के दौरान हुई थी। ऐसे में सबसे बड़ी मांग थी कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए, वो सरकार ने जो है किसानों की मांगी थी, तो निश्चित तौर पर एक भावुकता का पल जो है किसानों के बीच में था और किसान इसको अपनी एक बड़ी जीत मान रहे थे। लेकिन अब ये भी देखना होगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की जो अलग अलग जत्थेबंदियां हैं वो यूनैनिमस काम करती हैं, तो ऐसे में क्या सभी लोग जो है एक साथ जो है मानते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राकेश टिकैत के अलग बयान निकलकर सामने आते थे, अन्य नेताओं के अलग बयान निकलकर सामने आते थे, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि एक औपचारिक रूप से पत्र जब सरकार की तरफ से आ जाएगा
तो आंदोलन वापसी का रास्ता जो है कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, कहीं ना कहीं आज बड़ा दिन है आंदोलन के नजरिए से देखें तो, और औपचारिक फैसला लिया जा सकता है आंदोलन के समापन पर। शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए।